Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ये बात वेद पुराणों में भी वर्णित है कि इंद्र स्वर्ग के देवता थे और अपने काम के लिए छल और कपट करने से भी बाज नहीं आते थे। एक बार की बात है, जब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कुंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने सोचा यह मेरा राज कहीं छीन न ले। इस कारण उनके तपस्या से दुखी होकर इंद्र ने अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को चुना और ऋषि कुंडू की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। प्रमलोचा बहुत खूबसूरत थी। उसके तीखे नए नक्श के आगे ऋषि कुंडू की एक नहीं चली और वो प्रमलोचा के सम्मोहन में फंस गए। अब ऋषि कुंडू पूजा पाठ और तपस्या भूलकर पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम के मोह में फंस गए और अपनी कड़ी तपस्या भंग कर बैठे। योजना के अनुसार इंद्र और प्रमलोचा का काम पूरा हो चुका था। अब प्रमलोचा स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी, लेकिन प्रमलोचा के प्रेम में ऋषि कुंडू ऐसे डूबे कि उन्होंने उसे कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन प्रमलोचा अब किसी भी तरह स्वर्ग लौटना चाहती थी, साथ ही वो कुंडू के श्राप से डरती भी थी, इसीलिए चाहकर भी नहीं जा सकी। एक दिन अचानक ऋषि कुंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या याद आई तो वो अपनी कुटिया से निकलकर बोले, मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। तब प्रमलोचा ने कहा, इतने सालों में आज आपको सूझी है साधना करने की? इतने दिन से तो आप गृहस्थ आश्रम में जी रहे थे। ऋषि कुंडू बोले, तुम सुबह ही आई हो और मुझे साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। तब प्रमलोचा ने इंद्र के बारे में सब सच बताया और कहा कि मुझे यहाँ आए पूरे 907 साल हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कुंडू कहने लगे, धिक्कार है मुझे अपने आप पर, मेरी साधना और तपस्या मेरी भंग हो गई। बाद में ऋषि कुंडू को अपनी स्थिति का भान हुआ और उन्होंने अप्सरा का त्याग कर फिर से तपस्या करना आरंभ किया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.